मोदी से हाथ। बसपा ने पीठ पीछे किया बीजेपी से गठबंधन। सपा कांग्रेस को हराने के लिए चली बड़ी गुप्त चाल। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सत्ता के महासंग्राम के लिए राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इसके साथ ही पीठ पीछे गठबंधन का खेल भी शुरू हो गया है। कई पार्टियां तो खुलकर गठबंधन के साथ मैदान पर उतरी हैं, तो कई पार्टियां पर्दे के पीछे से ही दिल लगाए बैठी हैं। इसी कड़ी में पीठ पीछे भाजपा की भी टीम बनी बसपा का सच भी अब धीरे धीरे जनता के समक्ष आने लगा है और गठबंधन को लेकर धीरे धीरे सर से धुंध हटने लगी है। दरअसल शुरुआती दो चरणों की सीटों पर भाजपा सपा गठबंधन और बसपा ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसमें 26 सीटें ऐसी हैं जहां तीनों के उम्मीदवार हैं। असल न्यूज की टीम ने इन सीटों पर पिछले चुनाव और जाति समीकरण के हिसाब से विश्लेषण किया। इसमें बसपा सपा गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है, जबकि इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी 15 सीटें हैं जिस पर बसपा समीकरण बिगाड़ रही है, जबकि 6 सीटों की सीधी टक्कर होगी। वहीं 4 सीटों पर बसपा कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएगी। बसपा के इस चौथी समीकरण को देखने के बाद स्पष्ट कहा जा सकता है कि बसपा का मुख्य मकसद सपा और कांग्रेस को चोट पहुंचाना है, जबकि भाजपा को पीठ पीछे से फायदा पहुंचाना है। ज्ञातो के चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद सियासी हलचलें और भी तेज हो गई हैं। यूपी की 403 विधानसभा, उत्तराखंड की 70, मणिपुर की 60 और पंजाब की 117 और गोवा की 40 सीटों को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक बयानबाजी से नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। चुनावी वादों की भी बौछार होने लगी है। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।